चलिए दोस्तों, आज आप लोग को हम पास्ता एंड मैगी मिक्स करके बना करके दिखा रहे हैं। मैक्रोनी पास्ता एंड मैगी मिक्स करके बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप पास्ता, 1 पैकेट मैगी, और यहाँ नमक है, थोड़ा सा लाल मिर्च, चिकन मसाला, मीट मसाला, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये है हल्दी, और यहाँ ले लेंगे ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस। उसके बाद हम लोग ले लेंगे हरा धनिया कटा हुआ, लहसुन की 10-12 कलियाँ, हरी मिर्च कटा हुआ, प्याज 3 कटा हुआ प्याज है, टमाटर, और ये है रिफाइंड ऑयल। पास्ता मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम चूल्हे पे एक बर्तन को चढ़ा लेते हैं और इसमें पानी डाल देते हैं और चूल्हे को जला लेते हैं। देखिए पानी मेरा गर्म होने लगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, जिससे मेरा पास्ता और मैगी चिपकेगा नहीं। और पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। पानी उबलने लगेगा उसके बाद हमको इसमें पास्ता डालना है, फिर मैगी डालना है। पानी उबलने तक हम वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मेरे पानी में कितने अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम लोग 1 कप जो पास्ता लिए हैं इसको इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा चला देते हैं कि नीचे से पकड़ेगा नहीं। वैसे मैं रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ थोड़ा सा, इसलिए ये पकड़ेगा नहीं नीचे में। और थोड़ा सा पास्ता हो जाएगा, आधा पक जाएगा, उसके बाद हमें मैगी को डालना है, क्योंकि पास्ता थोड़ा पहले डालना पड़ता है क्योंकि पकने में टाइम लगता है और मैगी जल्दी हो जाता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा उबल रहा है मेरा पास्ता, इसको धीमी आँच पर पकाएँगे। देखिए दोस्तों, इसको बीच बीच में चलाते रहना है जिससे नीचे पास्ता पकड़े नहीं, इसलिए मैं बीच बीच में इसको चला देती हूँ। थोड़ा सा इसका कच्चापन हट जाएगा तो हमें मैगी डालना है। देखिए दोस्तों, पास्ता आधा पक गया है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा ही पक गया है। इसको ऐसे करके देख लेंगे, इसको चम्मच से काटने पर कट जाएगा। देखिए 2 पार्ट में कट गया है। देखिए दोस्तों ये कट जा रहा है। अब इसमें मैगी को डालना है। मैगी का पैकेट मैंने फाड़ लिया है, मैगी को ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा चला देंगे मैगी को, जिससे ये भी पक जाए थोड़ा सा। देखिए कितना अच्छा पक रहा है मैगी और पास्ता। और ये जो मैगी मसाला का पैकेट है, ये भी मसाले मिक्स करके हम लोग डाल देंगे, जिससे टेस्ट अच्छा आता है। ये मैगी के अंदर से निकला है। देखिए दोस्तों ये अच्छे से पक जाएगा। मैगी डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक ही इसको पकाना है, क्योंकि मैगी जल्दी ही पक जाता है। इसको 2 मिनट छोड़ देते हैं ऐसे ही। देखिए दोस्तों 2 मिनट हो गया, मैगी और पास्ता पक चुका है। इसको मैं पानी निचोड़ के लाती हूँ, इसको छान के लाती हूँ तो आप लोग से दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने पानी से निचोड़ लिया इसको, कितना खिला खिला, अलग अलग एकदम साफ साफ पका हुआ है, थोड़ा सा भी चिपक नहीं रहा है। मैंने बॉल में इसको निकाल लिया है, पूरा अलग अलग है कि पास्ता भी अलग है और मैगी भी अलग है। इसको मैंने उबाल करके पानी निचोड़ लिया, छान के रख लिया। अब चूल्हे को जला लेते हैं,
इस पर कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। अब पास्ते का मसाला तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया और इसमें सबसे पहले डालेंगे इधर जो रखे हैं रिफाइंड ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है। इधर जो लहसुन है इसको हमने हल्का हल्का कूच लेना है। जब तक मेरा रिफाइंड ऑयल गर्म होता है तब तक हम इसको कूच के लाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हमने दरदरा कूट लिया है। अब इसमें रिफाइंड मेरा गर्म हो गया, अब इसमें हम लोग प्याज को डाल देते हैं। सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे तरह से चला लेते हैं। प्याज को मोटा ही काटना है दोस्तों, पास्ता मैगी में प्याज मोटा ही काटा जाता है, जिसे देखने में भी खिला खिला लगता है और स्वाद में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कट कीजिएगा प्याज को। प्याज को हल्का हल्का सुनहरा होने देंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, रेड भी नहीं होने देंगे, हल्का सुनहरा होने देंगे। प्याज को हल्का फ्राई कर लेने के बाद हम लोग हरी मिर्च को डालना है। हरी मिर्च को मैंने डाल दिया इसमें। हरी मिर्च डाल के थोड़ा चला देना है। उसके बाद कटा हुआ टमाटर भी डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कटा हुआ टमाटर भी डाल दिया। इसमें कटा हुआ अदरक भी डाल देते हैं। अदरक भी मैंने डालनी है। सारी सब्जी को हमने हल्का ही फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। पास्ता में हल्का ही फ्राई करते हैं सब्जी को। देखिए दोस्तों, कितना खिला खिला लग रहा है मेरा सब्जी। थोड़ा सा कच्चापन हट जाए इसका तब तक फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें सारे मसालों को डाल लेना है। मैगी मसाला का पैकेट हम लोग फाड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसी मसाले में हमने मैगी मसाला भी डाल दिया और सारे मसालों को इसी में डाल देना है। सारे मसालों को डाल देना है इसी में। देखिए दोस्तों, हमने सारे मसाले को डाल लिए इसमें और अच्छे से चला लेंगे। इसी में हम लोग डाल लेंगे टमाटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस। देखिए दोस्तों, हमने इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल दिया। इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल देंगे। आपको जितना पसंद हो उतना ही डालिए। अब इसमें ये जो हमने उबाल के रखा है इधर पास्ता और मैगी, इसको भी डाल देंगे। अब इसको चला लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैंने चला लिया। नमक सबसे लास्ट में देंगे इसमें, क्योंकि नमक देने से चिपकने लगता है। इसको अच्छे से चला लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग स्वाद के अनुसार अकॉर्डिंग नमक भी डाल लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए दोस्तों, मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। ये कितना अच्छा प्यारा कलर आया हुआ है पास्ता मैगी का। प्लीज़ दोस्तों, एक बार आप ही ट्राई कीजिएगा बना करके, बहुत टेस्टी लगता है पास्ता और मैगी मिक्स करके। और प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगे खाने में तो मेरे कमेंट में करके बताइएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है। अगर आप लोग को मेरा पास्ता मैगी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़। अब इसको हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए दोस्तों, हमने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया। मेरा पास्ता मैगी बनके तैयार है। देखिए दोस्तों, हमने एक बाउल में निकाल लिया है पास्ता मैगी को। अब हम जा रहे हैं सर्व करने इसको। प्लीज़ आप लोग को मेरे पास्ता मैगी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।